Now, students, in this video lecture, we are going to study area, and in that particular area of a square and area of a rectangle. Now, last lecture हमने देखा था perimeter. याद आ रहा है? What is the perimeter of a square? First of all, perimeter means what? Sum of all sides. For square, what is the formula of perimeter of a square? We know a square has four sides. All are equal. So, 4 multiplied by side gives you the perimeter of square. Perimeter of a square, 4 into side. Now, rectangle, we know in rectangle, opposite sides are equal. That means length. Opposite side, one pair is length and one pair is breadth. So, perimeter of a rectangle, 2 in bracket L plus B. L plus B. L is length, B is breadth. Okay? And उसके according on the basis of the perimeter we have already seen the practice set number 44. Now move to area. See student, area means कितना उसने space cover किया है, कितना area हम बोलते हैं, है ना? तो कितना space cover किया है किसी shape में, तो इसको called as area. So बहुत ही simple है, आपको सिर्फ direct formula आपको लर्न करना है स्टूडेंट. फर्स्ट एरिया ऑफ ए व्हाट? स्क्वायर. एरिया ऑफ ए स्क्वायर, वेरी सिंपल स्टूडेंट. अगेन इट इज ऑफ साइड, सो एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. साइड को दूसरे साइड से मल्टीप्लाई करेंगे ना. टू साइड दैट मीन्स साइड स्क्वायर. सी स्क्वायर मतलब रेस टू टू. टू साइड, साइड स्क्वायर. यू कैन राइट साइड इनटू साइड और साइड स्क्वायर. इफ द फर्स्ट साइड इज ए, इफ साइड इज इक्वल टू ए, देन फॉर एरिया व्हाट? ए क्या होगा? एरिया अगर साइड ए है तो ए मल्टीप्लाई बाय ए, दैट मीन्स सी मल्टीप्लिकेशन, ओनली पावर का एडिशन. ए बेस इक्वल है, यहाँ भी ए यहाँ भी है, तो इनका पावर यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, वन प्लस वन टू, दैट मीन्स ए स्क्वायर, ए रेस टू टू. वेरी थिंग. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट मीन्स साइड स्क्वायर. साइड का स्क्वायर, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ना ओनली एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल. एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल. सी स्टूडेंट, स्क्वायर कितना एरिया यहां से और यहां पे देखते हैं. बट दिस इज ऑल्सो साइड, दिस इज ऑल्सो साइड. तो दिस इज साइड, ऑल फोर साइड इक्वल है, इसलिए साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे. बट इन रेक्टेंगल यू नो दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ. तो व्हाट इज एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल? वेरी सिंपल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट. Or simply you can write L into B. These are very important formula. Last lecture हमने देखा था perimeter of these two. Now area, area of a square, side multiply by side because all four sides are equal. Now in rectangle this is breadth, this is length. So it is L into B, length multiply by breadth. यहाँ भी multiplication, यहाँ भी. सिर्फ यहाँ पे दोनों side ही होते हैं. यहाँ पे एक length और एक breadth. Is that clear, student? Now, what is the unit or measurement of a area? Area को किसमें measure करते हैं? See, मैंने बताया था perimeter is measure as in the same measurement the sides or length or breadth measure. अगर perimeter में साइड अगर सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर सिर्फ सेंटीमीटर आएगा, मीटर है तो पेरीमीटर मीटर आएगा. बट स्टूडेंट एरिया इज मेजर
वो तो आगे रहेगा, मीटर है सेंटीमीटर, बट द यूनिट ऑफ एरिया इज ए पी, यूनिट ऑफ एरिया स्क्वायर, नॉट दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर पावरफुल स्क्वायर, इट मे बी मीटर और मे बी सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर और सेंटीमीटर। तो उसको और एक मेथड क्या लिखते हैं, अगर सपोज आपका साइड मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर, एनी अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ साइड। साइड अगर मीटर में है तो एरिया कैसे लिखेंगे, स्क्वायर मीटर, बोलता ना इतना स्क्वायर मीटर एरिया है, स्क्वायर मीटर। सेंटीमीटर में अगर साइड है स्क्वायर सेंटीमीटर, यू कैन राइट ऐसे या आप ऐसे भी लिख सकती है शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्क्वायर, एस क्यू मीटर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर और रेस टू टू भी आप दे सकते, यू कैन राइट इन दिस वे यूनिट और इन दिस वे। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एरिया, चाहे वो एरिया स्क्वायर का हो या किसी भी एरिया, एनी फिगर का एरिया इज मेजर इन द यूनिट ऑफ इट्स लेंथ का स्क्वायर। अगर लेंथ मीटर में है, साइड मीटर में है तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर में है स्क्वायर सेंटीमीटर, किलोमीटर में है स्क्वायर किलोमीटर। तो उसको लिखने का मेथड sq.m, sq.cm, sq.km और सिंपली स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीन्स पावर टू। दैट क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया, वेरी सिंपल सी बात को फॉर्मूले बाय हार्ट होने चाहिए। ओके नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस जस्ट पहले हम देखेंगे स्टूडेंट वन सॉल्व एग्जांपल। ओके आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स करना है इन योर टेक्स्ट बुक, हम उसको फिल कर देंगे। सी वेरी सिंपल, बट कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आप सेपरेट सेपरेट लिख रहे हो बट इन द एग्जाम ऐसे आपको मिक्स क्वेश्चन आएंगे, पेरीमीटर एरिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, स्क्वायर के फोर, फोर मल्टीप्लाई बाय साइड। एरिया ऑफ ए स्क्वायर ओनली दो, एक हाइट और एक ब्रेथ, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर में ऑल इक्वल होते हैं इसलिए साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। नाउ इन पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑल साइड का एडिशन होता है ना, तो दो लेंथ है और दो ब्रेथ, तो टू इन ब्रैकेट एल प्लस बी। नाउ इन एरिया ओनली एल मल्टीप्लाई बाय बी, इज दैट क्लियर स्टूडेंट। नाउ मूव टू सी स्टूडेंट ऑन योर पेज नंबर 82 वन एग्जाम्पल इज देयर, पूरा फिल नहीं किया है आपको, वहां पे इसको सॉल्व करना है। नाउ लेट्स टेक दैट एग्जाम्पल। ओके व्हाट इज द एग्जाम्पल, अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 65 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड, लॉन्ग लेंथ वाइड ब्रेथ। ओके रेक्टेंगल शेप का प्लेग्राउंड है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का लेंथ एज वेल एज ब्रेथ इज गिवन। ओके सो सी यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम भी आपको ड्रॉ किया है रेक्टेंगल प्लेग्राउंड, एक्चुअली आपको मेजरमेंट से नहीं करना है, जस्ट एक रेक्टेंगल का आपको शेप बनाना है स्टूडेंट। ओके दिस रेक्टेंगल सपोज द नेम इज ए, उन्होंने नेम कैसे दिया है बी सी डी, रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। ओके नाउ इन दैट लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन, दिस इज लेंथ, कितना लंबा है लेंथ, दैट मीन्स 65 मीटर एंड दिस ब्रेथ 30 मीटर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अ प्लेग्राउंड ऑफ 65 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड, वाइड मतलब ब्रेड, लॉन्ग मतलब लेंथ। अ पाथवे, पाथवे ऑफ 1.5 मीटर वाइड गोज ऑल अराउंड द ग्राउंड आउटसाइड इट, फाइंड द एरिया ऑफ ए पाथवे। पाथवे मतलब ग्राउंड के बाजू में ना सब फोर, ये दिस यहाँ ऑल फोर साइड से एक पाथवे, मतलब वॉकिंग के लिए जैसा फुटपाथ होता है ना वैसे एक पाथवे बनाया है वॉकिंग करने के लिए, ग्राउंड है और उसके साइड में
एक पाथवे बनाया है। नाउ वो पाथवे का जो डिस्टेंस है कितना वाइड है, ग्राउंड, ये ग्राउंड की, ये प्लेग्राउंड की बाउंड्री, वहां से एक पाथवे जो है, व्हाट, पाथवे का जो ब्राउननेस है कितना है, वो 1.5 मीटर, मतलब यहाँ से 1.5 मीटर एक बॉर्डर बनाई है पाथवे, मतलब ये बीच का पाथवे हो जाएगा। ठीक, हम एक पाथवे बनाएंगे 1.5 मीटर, एक्चुअली आपको मेजरमेंट नहीं करना है स्टूडेंट, बट ऑल साइड से ना, ऑल राउंड, जैसे ग्राउंड है उसके ऑल उतना ही डिस्टेंस है, सबका डिस्टेंस 1.5 है। अगेन कीजिए, स्टूडेंट अगेन दिस इज 1.5 मीटर, इतना डिस्टेंस, अगेन 1.5 मीटर ये डिस्टेंस, और अगेन यहां से यहां भी 1.5 मीटर, एंड दिस टू दिस वन, ऑल 1.5 फोर साइड से बनाए। तो हमें एरिया ऑफ दिस पाथवे, ये जो बीच का है ना, हमें पाथवे उसका एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट उसके बाद जो पाथवे बना उसकी बाउंड्री भी कैसी है, एज दिस ए बी सी डी प्लेग्राउंड इज रेक्टेंगल, तो बाजू में जो पाथवे है वो भी कौन से शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। तो सपोज इस नेम इज पी क्यू आर एस, वो क्या हो गया, पी क्यू आर एस। तो हमें ये मिडल बीच का हमें एरिया निकालना है, ये बीच का, तो हम पहले एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालेंगे, एरिया ऑफ ए बॉर्डर पी क्यू आर एस निकालेंगे, और दोनों को माइनस कर देंगे, दिस होल में से ये माइनस हो गया, ये रह जाएगा जो हमें फाइंड करना है। सी वहां पे ये बॉर्डर है, दिस इज अवर प्लेग्राउंड, तो ये जो पाथवे है हमें इसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दिस रेक्टेंगल का एरिया माइनस दिस रेक्टेंगल का, दिस व्यू बीच का डिस्टेंस, इज दैट क्लियर। सो अगेन बोथ आर रेक्टेंगल शेप, टू यूज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे सी एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, दैट मीन्स रेक्टेंगल विच प्लेग्राउंड, दिस ए बी सी डी, ए बी सी डी, वॉट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्ले ग्राउंड, एरिया ऑफ ए फॉर्मूला क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज गिवन हाउ मच, 65 एंड ब्रेथ 30, सिंपल जीरो एज इट इज। नाउ 3 से 65 को मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, कैरी 1, 3 6 18, प्लस 1 19, सी मीटर है तो स्क्वायर मीटर इज द एरिया ऑफ ए प्लेग्राउंड। हमें एरिया ऑफ ए पाथवे बनाना है, एरिया ऑफ ए पाथवे बनाना है दिस, तो हम पहले एरिया ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल पी क्यू आर एस वो निकालेंगे, पी क्यू आर एस इज इक्वल्स टू अगेन फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, बट स्टूडेंट उसकी लेंथ कितनी है, सी ये 65 था है ना, यहां तक कितना था 65 था, तो उसमें और कितना ऐड हो गया, 1.5 यहां से, 1.5 यहां से, दोनों साइड से 1.5 ऐड बना, ओरिजिनल कितना था लेंथ 65 था, उसमें क्या ऐड हो गया, फ्रॉम दिस साइड 1.5 एंड फ्रॉम राइट साइड 1.5, सिमिलरली ब्रेड कितना था 30, उसमें अप साइड 1.5 डाउन साइड 1.5, ये ब्रेड यहां पे दिस साइड, दिस साइड, दोनों साइड है ना, ऑल फोर साइड से किया है,
ब्रेड दो साइड होती है, लेंथ दो साइड होती है, तो दोनों साइड में डिस्टेंस क्या है 1.5 1.5। यहाँ पे 1.5 बड़ा है, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 1.5। तो ब्रेड में टू साइड का 1.5 और लेंथ में भी टू साइड 1.5 ऐड करेंगे, फिर आएगा जो आंसर वो होगा लेंथ और ब्रेड। 1.5 1.5 कितना होता है स्टूडेंट, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं 1.5। 1.5 1.5 मतलब 1.5। सो दिस हाफ हाफ, दो हाफ को मिलाएंगे तो 1 और ये 2 3, तो टोटल कितना होता है 1.5 1.5 3। सी कैसे होता है, ऐड करो 5 + 5 10, पॉइंट का पॉइंट कैरी 1 1 2 3। 3.0 नो नीड टू राइट, पॉइंट के बाद 0 ओनली 3। तो 65 + 3 68, सिमिलरली इन दोनों का 3 आता है तो 30 + 3 33। दिस इज न्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, न्यू लेंथ 65, न्यू ब्रेड 33। यहाँ पे सिर्फ जो ओरिजिनल था 65 और 30, हमने 1.5, यहाँ पे दो बार मैंने क्यों लिखा है, व्हाई आई राइट टू टाइम्स 1.5 1.5, बिकॉज लेंथ टू साइड होती है ना, और दोनों साइड से वो बॉर्डर पाथवे बनाया है, फोर साइडेड पाथवे है, तो यहाँ भी 1.5, यहाँ भी 1.5, ऊपर भी 1.5, नीचे भी 1.5, तो यहाँ पे टू टाइम्स, यहाँ पे टू। इज दैट क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई 68 को 33 से, 3 8 = 24 कैरी 2, 3 6 = 18 19 20, अगेन 3 से यही आएगा सूत्र, क्योंकि पहले हमने 3 से मल्टीप्लाई किया इतना आ गया 204, अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 204 ही आएगी, सिंपल 4 0 + 4 4 2 + 0 2 2 मीन 2240 स्क्वायर मीटर। ना हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ए पाथवे, तो कैसे आएगा, देयरफॉर बीच का एरिया ऑफ ए पाथवे, सी दोनों में बिगर कौन है, ऑब्वियसली बाहर का रेक्टेंगल बिगर होगा, तो उसमें से स्मॉल रेक्टेंगल माइनस करेंगे। एरिया ऑफ ए पाथवे इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, सी ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, पी क्यू आर एस में से ए बी सी डी माइनस कर देंगे। हाउ मच पी क्यू आर एस, 2240 एंड दिस 1950। नौ स्टूडेंट माइनस कर दो 2240 1950, सब्सट्रैक्शन 0 - 0 0, नाउ स्मॉलर नंबर है बिगर है, तो यहाँ से 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, इट बिकम 14 14 - 5 9, अगेन यहाँ से 1 रह जाएगा यहाँ पे 1, 11 - 9 2, 1 - 1 0, दैट मीन 290 स्क्वायर मीटर, और यू कैन राइट स्क्वायर मीटर ऐसे भी, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दैट क्लियर। सी आपके यहाँ पे बॉक्स 68 × 33 कितना आ गया है, तो राइट इन दिस ब्रैकेट वन बॉक्स में है 2240 माइनस 65 × 30 65 × 30 1950, दोनों को माइनस किया तो स्क्वायर मीटर 290। That clear student? बहुत ही सिंपल, ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, सी रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड है तो हम उसका एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इन टू ब्रेड, लेंथ इज गिवन 65, ब्रेड इज गिवन 30, मल्टीप्लाई किए इतना गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब क्या किया है, 1.5 मीटर का ऑल फोर साइड से इसको इंक्रीज किया है और तो बीच में पाथवे बनाया है, तो ऑल फोर साइड 1.5 1.5, वी नो इन रेक्टेंगल के बाजू में अगर बॉर्डर बनाएंगे तो वो भी रेक्टेंगल शेप का ही होगा, तो वहां पे लेकिन ये जो ओरिजिनल लेंथ थी, लेंथ भी नो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड लेंथ होते हैं, ये अपोजिट साइड ब्रेड होते हैं, तो
तो लेंथ यहाँ भी 1.5 इंक्रीज हुआ, यहाँ भी 1.5 इंक्रीज हुआ, तो टोटल 1.5 मीन्स 3। तो पहले 65 था, पाथवे बनाने के बाद कितना हो गया 68। सिमिलरली फॉर ब्रेड, पहले 30 था, यहाँ का 1.5 यहाँ का 1.5 दोनों को ऐड करेंगे तो 30 ना। फिर न्यू जो रेक्टेंगल बना है उसका एरिया निकालेंगे और ये हमारा प्लेग्राउंड का, दोनों को माइनस कर देंगे, बीच का पाथवे मिल जाए। दैट क्लियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल, समझ में आ गया ना। यहाँ पे कैलकुलेशन, तो आपको लेंथ इनटू ब्रेड मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट, एनी टाइम आपको मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल पॉइंट रहा तो कैसे एडिशन होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना मांगता है, ऑल दिस वेरी सिंपल होते हैं, लेकिन अक्सर मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू एड डेसिमल नंबर, हाउ टू मल्टीप्लाई डेसिमल, ईच लेक्चर में एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन ये आपको आना चाहिए स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? नाउ यू आर इन 7th स्टैंडर्ड, तो दीज फोर बेसिक ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन, यू शुड नो ऑल फोर ऑपरेशन हाउ टू परफॉर्म। ओके स्टूडेंट, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस एरिया, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है, व्हाट वी हैव सीन हियर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर एज वेल एज एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ए स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड, एंड इट्स यूनिट इज स्क्वायर। अगर मीटर में रहा साइड तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर में रहा सेंटीमीटर, किलोमीटर में रहा किलोमीटर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ मूव टू एक्चुअल प्रैक्टिस सेट नंबर 14।